नमस्कार, मैं हूं निशी पूर्णिमा। हमारा समाज परंपरा और मान्यताओं के धागे में गुथा हुआ है। एक ऐसा समाज है जिसमें व्यक्ति के लिए उसके संबंध सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए हमारे समाज में सभी परंपराएं आपसी संबंधों को और मजबूत करती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है करवा चौथ। ये वो दिन है जिसका इंतजार हर सुहागन स्त्री को रहता है। परंपरा अनुसार करवा चौथ के दिन हर सुहागन अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखती है। तो चलिए फिर इसी करवा चौथ के महत्व और कुछ अचूक उपायों के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। कल करवा चौथ का त्यौहार है। हिंदू मान्यता के अनुसार करवा चौथ सुहागन स्त्रियों के लिए काफी महत्व रखता है। इसीलिए करवा चौथ की महत्ता और पूजन का विधि विधान बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि करवा चौथ का क्या विशेष महत्व होता है। करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी व्रत जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। करक चतुर्थी अथवा करवा चौथ के नाम से जाना जाने वाला ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार जो है सुहागिन स्त्रियां ही मनाती हैं और इसके पीछे ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से, इस पूजा को करने से पति को लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियां इस दिन चंद्रदेव की पूजा करती हैं। इसी के साथ देवी गौरी और भगवान शिव सहित गणपति महाराज की भी पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन उपवास रख करके रात्रिकालीन संध्या के समय में चंद्रमा को अर्घ देना और उसके उपरांत भोजन करने की परंपरा है। यही इस पूजा का, इस व्रत का विधान है। वैभव जी, वैसे तो शिव और पार्वती की कथाएं काफी प्रचलित हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन सी कथाएं प्रचलित हैं? देखिए, करवा चौथ के व्रत को लेकर के कई सारी कथाएं प्रचलित हैं हमारे शास्त्रों में, और शिव पार्वती की कथा तो है ही है। एक बार माँ पार्वती को भगवान शिव की चिंता बहुत ज़्यादा सताने लगी, उनकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी, तो माँ पार्वती ने भोलेनाथ से मदद मांगी और उनसे प्रश्न किया कि मुझे ऐसी कौन सी व्रत करनी चाहिए या ऐसी कौन सी पूजा प्रक्रिया है जिससे आपकी सुरक्षा जो है निश्चिंत हो जाए। तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को करक चतुर्थी यानी ये जो चतुर्थी का व्रत है, करवा चौथ का व्रत बताया। उसी तरीके से महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी थी। करवा चौथ की पृष्ठभूमि में सत्यवान और सावित्री की कहानी भी है जो पति प्राप्ति और पति पत्नी के अटूट लगाव को दर्शाती है। कहते हैं कि एक बार यमराज सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए आए तो सावित्री ने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए प्राणों की गुहार लगाई यम से, मगर वो नहीं माने। तब सावित्री ने अन्न जल त्याग करके जल का त्याग कर दिया और सावित्री की जिद के आगे आखिर यम को झुकना ही पड़ा और अंत में यम को सावित्री को जीवनदान देना पड़ा। तो ये कथाएं जो हैं, इससे स्पष्ट होता है कि इस तिथि का कितना महात्म्य है हमारे यहाँ शास्त्रों में। इससे पत्नी जो है हमेशा सदैव जो है तत्पर रहती है अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए। जी पंडित जी, एक और बात कि करवा चौथ की थाली में क्या क्या चीजें लगानी चाहिए? जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, ऐसी कन्याएं होंगी जिनके लिए ये पहला करवा चौथ का व्रत पड़ रहा होगा। उनके परिवार की जो बड़ी महिलाएं हैं वो भी उनका मार्गदर्शन करेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि पूजा की थाली में चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प यानी कुछ फूल होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए जिससे आप अर्घ देती हैं, शक्कर, घी, दही, कुछ मिष्ठान यानी मिठाई हो, गंगा जल, कुमकुम, चावल, सिंदूर और सुहाग के लिए मेहंदी, और उसके साथ साथ महावर का होना। अपनी सासू माँ के लिए, अपनी सास के लिए आपको कुछ वस्त्र रखने चाहिए। कुछ उनका जब आप व्रत पारण कराएंगी तो कुछ फीकी मट्ठी होनी चाहिए, सेवइयाँ होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उनको उपहार स्वरूप देने के लिए कुछ वस्त्र दक्षिणा आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ परिवारों में स्वर्ण आभूषण भी देते हैं, वो आपके सामर्थ्य अनुसार होता है। आपको ये चीज़ें अवश्य रखनी चाहिए। साथ में पानी का से भरा हुआ एक पात्र यानी एक लोटा भी होना चाहिए जो आपको अर्घ के लिए आवश्यक होगा। जी पंडित जी, इस बार चंद्रमा को अर्घ देने का सही मुहूर्त क्या है? देखिए, इस बार चंद्रोदय जो है वो 7:51 से शुरू हो रहा है, तो 7:51 से आप जल देना शुरू कर सकते हैं, अर्घ देना शुरू कर सकते हैं। और 10:21 तक का मुहूर्त जो है वो सबसे ज्यादा विशेष मुहूर्त माना गया है। अगर आप इस समय में यानी 7:51 से लेकर के रात में 10:21 के अंदर अंदर आप इस पूजा को कर लेते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी।
करवा चौथ पर वैसे तो पति साथ होने चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश पति विदेश में हो तो क्या करें, ये जानते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पति पत्नी के साथ का ये पर्व है और सुहाग का ये पर्व है, तो जब पत्नी आपके लिए तपस्या कर रही हो तो पति को भी वहाँ पे साथ देना चाहिए। बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं परिवार में कि पति जो है विदेश में होते हैं, या अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, आज बहुत ज़्यादा प्रश्न ऐसे आ रहे हैं कि अगर पति रूठ गए हों तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस लोक परंपरा की पूजा में किसी रूठे को मनाते नहीं हैं, और महिलाओं को ध्यान ये रखना है कि आज सुई धागे या नुकीली चीज़ों का प्रयोग आप नहीं करेंगी आज की दिनचर्या में। अब बात आती है कि अगर पति विदेश में हो तो उनका ध्यान आकर्षण कैसे करें, कि विदेश में भी रह करके आज आप तपस्या अपने घर में कर रही हैं तो पति को आपका ध्यान अवश्य रहे, वो आपके लिए चिंतित रहें, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आज यानी तृतीया की तिथि में और कल चतुर्थी की तिथि में आप जब पति के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगी, ओम क्लिं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगी, भगवान श्री कृष्ण को मोहन का बहुत अच्छा, मतलब सबसे प्रधान देवता माना गया है, मोहन के लिए आकर्षण के लिए उनके ही मंत्रों का और उनकी ही आराधना की जाती है, इन्हीं मंत्रों का प्रयोग होता है। तो ओम क्लिं कृष्णाय नमः भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के समक्ष आप जाप करेंगे तो आपके पति कहीं भी होंगे उनका ध्यान आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। अगर वो आपके साथ नहीं भी हैं तो आपको मन में वो विचार कर सकते हैं और पूजा में आपको उनका पूरा सांकेतिक सहयोग प्राप्त होगा। जी पंडित जी, प्रेम, पति का प्रेम पाने के लिए किन विशेष उपायों को करना चाहिए? जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की तिथि में इन प्रयोगों को करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आपके परिवार में पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा तनाव रहता हो तो आज मैं ये बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ आपको। आज की तिथि में आपको करना यह है कि लाल रंग के सूती कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ आपको अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर के पति का और एक अपना नाम का उस पर केसर से गोमती चक्र डाल देना है। कुछ पैसे के साथ आप उसको रख करके अपने धन रखने के स्थान में अलमारी में रख दें। आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी तनाव है वो दूर हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन आपका मधुर हो जाएगा, आपको अपने पति का प्यार मिलने लगेगा। पंडित जी, अगर हम बात करें कि अगर किसी के पति का ध्यान किसी दूसरी स्त्री में है तो क्या उपाय करने चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आजकल बहुत ज्यादा आम हो गई और ऐसे प्रश्न हम लोगों के सामने बार बार आते हैं। यदि आपके पति का पर स्त्री में आसक्ति बहुत ज़्यादा हो गई हो तो करवा चौथ के दिन यानी कल से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप धनतेरस के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको एक ब्लू टोपाज रत्न धारण करना है लॉकेट के रूप में। अगर आप गले में उसको धारण करते हैं, ब्लू टोपाज आप धारण कर लेते हैं, तो आपके पति का ध्यान जो दूसरी स्त्रियों की तरफ था वो उनसे हट करके आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा और आपका जो वैवाहिक जीवन जो टूट रहा था उसका आपको सुख मिलने लगेगा, आपका वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाएगा। जी पंडित जी, अगर हम बात करें कि कुंवारी कन्याएं भी आजकल व्रत रखती हैं तो उनको रखना चाहिए व्रत? जी बिल्कुल, कोई भी रख सकता है इस व्रत में। जो कुंवारी कन्याएं रखती हैं वो एक आदर्श पति प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं, तो निश्चित तौर पे अपने परिवार की सुहागिन स्त्रियों की देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में आप इस पूरी व्रत प्रक्रिया को समझ सकती हैं, जान सकती हैं और कर सकती हैं। किस तरीके से ये व्रत अपना पूरा कर सकती हैं, क्योंकि उनके घर में उनके पति नहीं होंगे तो किस तरीके से उपाय कर सकती हैं वो? देखिए, ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है जो कुंवारी स्त्रियां करती हैं, और जैसे सुहागिन स्त्रियां अपने पति को देख करके व्रत तोड़ती हैं, आप भगवान के समक्ष और चंद्र दर्शन करके आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जी पंडित जी, अगर हम बात करें कि चांद को छलनी से देखते हैं तो उसका क्या महत्व है? देखिए, इसके हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत सारे महत्व हैं और ये सांकेतिक ज़्यादा है। तो ऐसा मानते हैं कि एक बार इसमें कथा भी आती है कि एक बहन को चंद्रमा नहीं दर्शन हो रहा था तो उनके भाइयों ने उनको दीप से चंद्र दर्शन करा दिया। तो ये सारी सांकेतिक लोकाचार की प्रक्रिया है और हमारे शास्त्र में इसकी मान्यता है। आज के दिन में चंद्रमा का दर्शन करके अर्घ देना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पंडित जी, क्या हम करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे भी उपाय कर सकते हैं जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि हो और घर में सुख समृद्धि आए? जी बिल्कुल, देखिए ये पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें सौभाग्य में वृद्धि होती है। जब तक आप इस पर्व का पूरा लाभ लेना चाहेंगे और कुछ ऐसे उपाय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उन्हीं में से एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। बड़ के पत्ते, बड़ के वृक्ष के पत्ते आप ले आइए, गंगा जल से उसको आप स्वच्छ कर लें, हल्दी से आप उसको उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें, गंगा जल में हल्दी घोल करके आप स्वास्तिक बना लीजिए, और अपने घर में धन रखने के स्थान में अगर आप चतुर्थी तिथि में रखते हैं, करवा चौथ के दिन रखते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। और उसके साथ साथ अपने घर के पूजा स्थान में माँ लक्ष्मी के श्री विग्रह के सामने अगर आप बैठ करके उनकी आराधना करते हैं, चौमुखा एक देसी घी का दीपक जलाते
जाते हैं, पंचोपचार पूजन करते हैं और उसके बाद 108 पाठ अगर आप श्री सूक्त के कर लें, अगर आप 108 पाठ नहीं कर सकते तो आपको कम से कम 21, 11 या 16 पाठ श्री सूक्त के जरूर करने चाहिए। किसी सदाचारी, वेद पाठी या ब्राह्मण के द्वारा भी आप इस उपाय को करा सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। ये ऊपर के दो अलग अलग जो उपाय मैंने आपको बताए, ये आपके लिए इतना अच्छा लाभ लेकर के आएंगे कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। जी पंडित जी, अगर हम बात करें इन उपायों के अलावा भी कुछ और उपाय हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ के दिन से अगर आप आरंभ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ लेंगे। जिस समय सौभाग्यवती स्त्रियां पूजा के लिए जा रही हों संध्या काल में, तो पूजा करने जाने से पहले आपको करना ये चाहिए कि अपने घर में जो भी तुलसी देवी का स्थान है, तुलसी का गमला अगर आपने स्थापित कर रखा है तो आपको वहां पे एक देसी घी का दीपक जला देना चाहिए। इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद 5, 7, 9 या 11 बार आपको तुलसी देवी की परिक्रमा कर लेनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करें कि आपके आपका सुख सौभाग्य बना रहे। यह प्रयोग इतना माना हुआ प्रयोग है कि आपके परिवार से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी हमारा खास कार्यक्रम जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं करवा चौथ पर विशेष उपायों की। तो यदि पराई स्त्री के कारण आपका अपमान होता है तो क्या करना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, ऐसे प्रश्न भी आजकल बहुत ज्यादा आते हैं कि मेरे पति की आसक्ति दूसरी महिलाओं में है और उनके चलते मुझे अपना अपमान की स्थिति अपने घर में देखनी पड़ती है। यदि किसी दूसरी स्त्री के कारण आपका अपमान बार बार होता है, आपके पति बार बार आपका अपमान करते हैं, तो करवा चौथ पर 300 ग्राम बेसन के लड्डू आप ले लीजिए, 2 आटे की टिक्की ले लें, 3 केले लेकर के 250 ग्राम भिगोई हुई चने की दाल आप ये नियमित गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। खिलाते समय आप गौ माता से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, मुझे आप बहुत अच्छे और शुभ फल देना, मेरे पति को आप सद्बुद्धि दे करके मेरी समस्या को दूर करें। कुछ ही दिनों में आपके पति को सन्मार्ग मिलेगा, उनको जो बुद्धि उनकी खराब हो गई थी उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और यदि ऐसी गाय को जिसके गाय जो गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हो आप उसको ये भोजन कराते हैं तो निश्चित तौर पे चमत्कार होगा। और ये आपको जो प्रयोग करना है वो करवा चौथ से शुरू करके 5 गुरुवार नियमित करना है, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका पूरा नियंत्रण अपने पति पर बन जाएगा। क्या पंडित जी, हम करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, जिनसे चतुर्थी के दिन से अगर आप शुरू करें, करवा चौथ से शुरू करें, तो आपके परिवार में वर्ष पर्यंत माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि चतुर्थी तिथि जो है वो भगवान गणेश को समर्पित है और इस बार का संयोग इतना दुर्लभ है कि चतुर्थी तिथि शुक्रवार को आ रही है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का है। तो इस बार अगर चतुर्थी पे आपके पतिदेव आपको एक आभूषण भेंट कर दें, गिफ्ट कर दें, प्रेजेंट दे दें, और आभूषण अगर पायल हो तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अपने पतिदेव से हक से डिमांड भी कर सकती हैं क्योंकि आपको पूजा में भी आवश्यकता होगी। आपको करना यह है कि लाल या गुलाबी साटन का कपड़ा बिछा लें अपने पूजन स्थान में और ये जो नई पाजेब आपके पति ने पायल आपको भेंट की है उनको वहां पर रख दें माँ लक्ष्मी के सामने और उनके ऊपर 5 बार आभूषण पर केसर से आप तिलक करें और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माँ धन आए और आपकी कृपा सदैव बनी रहे। और वहीं बैठ करके माता के समक्ष आप श्री सूक्त का पाठ कर लीजिए और इस पाजेब को उठा करके अपने धन रखने या आभूषण रखने के स्थान में रखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके परिवार में और आपके ऊपर बनी रहेगी। जी पंडित जी, अगर हम बात करें घर में सुख शांति की तो उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जी देखिए, बहुत ही छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, इस पर्व पे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर की सुख शांति के लिए वास्तु का एक उपाय भी है जो आज आप कर सकते हैं, जिसको आप चतुर्थी पर अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको करना ये चाहिए घर के ड्राइंग रूम में मध्य क्षेत्र में यानी घर के मिडिल कॉर्नर में, मिडिल पार्ट ऑफ द हाउस जो आपके ड्राइंग रूम का है, वहां पे एक 0 वॉट का पीला बल्ब कम से कम 1 घंटे के लिए संध्या काल के समय में जला दीजिए।
जितने भी नकारात्मक ऊर्जा अर्थात नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाएगी और पॉजिटिविटी यानी शुद्ध ऊर्जा आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी, जिससे आपके घर का माहौल भी बहुत ही पवित्र हो जाएगा। जी पंडित जी, अगर हमारे दर्शकों को आप कुछ सौभाग्य वृद्धि के कुछ मंत्र बता दें तो बहुत अच्छा हो। जी बिल्कुल, देखिए अभी तक हम लोगों ने बात की बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय, छोटे ऐसे टोटके जो आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। अब मैं आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिस मंत्र को आप अपनी पूजा से पहले जब आप व्रत में हो तो देवी के समक्ष बैठ करके माँ भगवती से प्रार्थना कर सकती हैं, इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। निश्चित तौर पे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये शास्त्रोक्त मंत्र हैं, ये दुर्गा सप्तशती से लिए गए मंत्र हैं, जिनका चमत्कार वर्षों से अनादिकाल से आजमाया हुआ है। तो ये मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है और आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसका सही उच्चारण करिए, आपको बहुत लाभ, अच्छा लाभ मिलेगा। देहि सौभाग्य मारोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विशो जहि। इस मंत्र को 108 बार आपको अपने घर में माँ पार्वती के समक्ष बैठ करके आपको जाप करना है। आप अपनी पूजा से पहले इस मंत्र का जाप कर लें। इस मंत्र के जाप से सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख, रूप, जय, यश आदि समस्त वांछित सुख की प्राप्ति होती है। देवी की कृपा आपके ऊपर होगी और आपका जीवन जो है सफल हो जाएगा। अब एक दूसरा मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ आपकी सुविधा के लिए। आप इन दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकती हैं और यदि आपका सामर्थ्य हो तो आप दोनों मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिस तरीके से इस व्रत की परंपरा के बारे में हमने सुना, भगवान शिव ने माँ पार्वती को इस मंत्र को बताया था, इस उपाय को बताया था, इस व्रत को करने को बताया था, उसी तरीके से ये मंत्र जो है भगवान शिव और माँ पार्वती से जुड़ा हुआ है। अगर आप उनकी आराधना करते हैं, उनका ध्यान करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो हर प्रकार से आपका कल्याण होगा, मांगल्य की प्राप्ति होती है, हर प्रकार के सुख समृद्धि देने वाला ये मंत्र है। इस मंत्र को माँ पार्वती के समक्ष बैठ करके, भगवान शिव के समक्ष बैठ करके कम से कम 108 बार आप उच्चारित करें। पंडित जी, अगर किसी के पति के विवाहेतर संबंध हो तो उसे कौन से उपाय करने चाहिए करवा चौथ पर? जी बिल्कुल, ये भी आज एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसी बहुत सी माताएं, ऐसी बहुत सी बहनें आज परेशान हैं जो हम लोगों के पास आती हैं और उनको सबसे बड़ा कष्ट यही है कि उनके पति का संबंध दूसरे के साथ है, या अक्सर ऐसा होता है कि दूसरी महिला की वजह से उनके पति ने उनको तलाक दे दिया है, परिवार में तनाव की स्थिति है, अलग रहना शुरू कर दिया है। यदि आपके पति का विवाहेतर संबंध है तो पीपल के सूखे हुए पत्ते या फिर भोजपत्र के टुकड़े पर कपूर की 3 टिक्की रख करके किसी चीनी मिट्टी की प्लेट पर रख करके आपको जला देना चाहिए। पति के बाहरी संबंध शीघ्र ही छूट जाएंगे और ऐसा सप्ताह में 3 बार करना चाहिए। करवा चौथ से यानी कल से आप इसको आरंभ करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप पर पति अनायास क्रोध करे तो उनको नियंत्रित करने हेतु क्या करना चाहिए, चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। जी अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपके पति जो हैं आपको बार बार क्रोध करते हैं, परिवार का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, खासकर ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब परिवार में कुछ मेहमान आए हों तो आपको बार बार अपमानित होना पड़ता है, आपके ऊपर क्रोध करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको कल यानी करवा चौथ की रात्रि में जब आप पूजा पाठ कर लें, उससे निर्वृत्त होने के बाद एकांत में बैठ कर के 11 माला शांतम पापम, ये बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, फिर से सुन लीजिए, शांतम पापम, इस मंत्र को 11 माला यानी 108 बार आप 11 बार जाप कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब उसके बाद आपके पति आप पर क्रोध करें, आप मन ही मन इस मंत्र को दोहराना शुरू कर दीजिए, आप शांतम पापम का उच्चारण करें और उसमें कोई जाप की संख्या नहीं है, जितनी देर तक आपके पति का क्रोध रहे आप जाप करना शुरू कर दें, तत्काल ही आपके पति का क्रोध शांत हो जाएगा। पंडित जी, जब पति आपकी बात ना सुने तो अब उस अवस्था में कौन से उपाय करने चाहिए? जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी परिस्थिति में जब आप अपने पति को कुछ अच्छा सुझाव दे रहे हो, पति ने कुछ कोई गलत निर्णय ले लिया हो, या उनकी प्रवृत्ति हो कि आपकी बात नहीं सुनते, बार बार वो कुछ गलत निर्णय लेते रहते हैं जिससे आपके परिवार में, आपके दाम्पत्य जीवन में कोई ना कोई समस्या आपदा आती रहती है, तो इससे बचने के लिए आपको कल दिन से ये प्रयोग शुरू करना है। कल आपको करना यह है कि आप पति की आयु के बराबर लाल मिर्च की, सूखी लाल मिर्च के दाने ले लीजिए, उनको अपने घर में दिन में ठीक 12 बजे तवे पर रख करके आप जला दीजिए। और जिस समय आप ये प्रयोग कर रहे हो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि उस तवे का धुआं जो है, उस मिर्च का धुआं जो है आपके पति को अवश्य लगे। अगर पति आसपास ना हो तो आप उनको बुला सकती हैं अपने रसोई में, अपने किचन में, अपने आसपास,
मदद मांग सकती हैं जिससे उनको वो धुआं लगे। आप करवा चौथ से ये प्रयोग शुरू करिए और उसके बाद 3 रविवार लगातार दिन में 12 बजे ये प्रयोग करिए। इसका इतना चमत्कारी प्रभाव होगा कि आपके जो अच्छे सुझाव होंगे वो पति उसको मानेंगे, आत्मसात करेंगे, आपकी बातों का सम्मान करेंगे, जिससे आपके निर्णय और आपके पति के निर्णय हमेशा परिवार के पक्ष में जाएंगे। बार बार आपके निर्णय जो हैं, पति के निर्णय जो आपके विपरीत जाते हैं, परिवार के विपरीत जाते हैं, जिससे आपको खराब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उससे आप बच जाएंगे। सुख, सौभाग्य और समृद्धि आपके परिवार में स्थापित होगी। जी पंडित जी, अगर हम बात करें तीज की, तीज का जो व्रत होता है उसमें भी निर्जला व्रत रखते हैं और जो करवा चौथ का व्रत होता है वो भी निर्जला व्रत होता है, लेकिन चांद को देखने के बाद करवा चौथ का व्रत तोड़ देते हैं, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये लोक परंपरा है। तीज जो है वो कुछ क्षेत्रों में मनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे उत्तर भारत में तीज की ज़्यादा महत्ता है, और वहीं हम लोग अगर पश्चिम, इधर मध्य भारत देखते हैं, पश्चिम से आगे बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ, तो उधर करवा चौथ मनाते हैं। तो ये क्षेत्र विशेष की मान्यता है, जहाँ पे इन अपने अलग अलग उसको परंपरा को मानते हैं। जो लोग तीज मनाते हैं वो अक्सर करवा चौथ नहीं मनाते हैं, जो करवा चौथ मनाते हैं वो अक्सर तीज नहीं मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कोई भी एक व्रत आप कर सकते हैं, दोनों का अर्थ एक है। दोनों के पीछे जो एक सार छुपा है वो पति की दीर्घायु और पति की सुरक्षा, परिवार का एक साथ आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और हर व्रत की, हर पर्व की एक अपनी अलग प्रधानता होती है, एक अलग मान्यता होती है। तो इसी तरीके से चतुर्थी में, चतुर्थी के चंद्रमा का विशेष महात्म बताया गया है हमारे शास्त्रों में, और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि चतुर्थी का जो चंद्रमा है उसका पूरा दर्शन नहीं करते हैं, इस कारण से चलनी के माध्यम से उनका दर्शन किया जाता है। जी, अगर हम बात करें पंडित जी कि जैसे 16 श्रृंगार स्त्रियां करती हैं, तो क्यों जरूरी है कि 16 श्रृंगार करना? देखिए, 16 श्रृंगार पूर्णता की निशानी है, तो वो जरूर करना चाहिए। अगर आपने उसमें से कोई भी एक छोड़ा है तो कहीं ना कहीं वो अपूर्णता दर्शाता है। तो 16 श्रृंगार इस वजह से किसी भी महिला का, किसी भी स्त्री का, सुहागिन स्त्री का सपना होता है, तो उनको अवश्य करना चाहिए। जी, अगर हम पंडित जी बात करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर वो व्रत रखती हैं, अगर उन्हें कुछ खाना पीना हो तो वो खा सकती हैं, उसका कुछ दुष्परिणाम जो है वो तो नहीं होता? देखिए, हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि इस तरीके के व्रत, ये क्योंकि एक तपस्या है, कठोर तपस्या है, आपको निर्जला रहना है, आपको कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो रोगी है, जो वृद्ध व्यक्ति है। अगर मान लीजिए आपकी माता जी हैं, सुहागिन हैं, और वो व्रत करना चाहती हैं और उनसे संभव नहीं हो पाता, तो ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर ये बंधन लगाएंगी कि वो कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से सुहागिन महिला के लिए भी ये बंधन हटा दिया जाता है हमारे शास्त्रों के माध्यम से। इसे आपद धर्म कहते हैं। आप ऐसी परिस्थिति में जो भी आवश्यक आपको लगता है, आप फल ले सकती हैं, दूध ले सकती हैं, जल ले सकती हैं, आपके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है। आप व्रत कर रही हैं या पूजा पाठ कर रही हैं, आप सुहागिन महिलाओं के साथ शामिल होती हैं और आपने देवी की पूजा की है, सुहाग की देवी माँ पार्वती की आराधना की है, वही आपके लिए बहुत है। तो आप इसी करवा चौथ से ये उपाय कर सकते हैं। सभी उपाय विश्वास के साथ और विधि पूर्वक करें, जिससे आपको यथाशीघ्र लाभ होगा। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। तो फिर इस बार इस विधि से करें करवा चौथ। इस व्रत का पालन पूरे विधि विधान से किया जाए, तभी पति की लंबी उम्र के साथ अन्य मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।